सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं सभी। आई होप कि आप सभी एकदम बढ़े होंगे। तो गाइस, मैं आज आपसे के लिए दोबारा से न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आ चुका हूं। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज का मैं यूज़ करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस बैकग्राउंड का लिंक जो है गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो गाइस, आप सभी को सिंपली डाउनलोड कर लेना है एंड इसके बाद सिंपली आप सभी को ओपन कर लेना है। एंड इसके बाद आप सभी को करना क्या है, ड्रॉ टूल के अंदर जाना है। एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप सभी को करना क्या है, ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है। जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दो वीडियो के लिंक दे रखे, आप दोनों वीडियो को देख लो। आपको इजीली मैंने उसमें समझा रखा है कि आप बैकग्राउंड को किस तरीके से इरेज कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी यार, अगर आप सभी को आता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी गाइस, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, उसके बाद क्या करते हैं, आप सभी को मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड ऐड कर लेने के बाद पहले मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लगा के एंड यहाँ से थोड़ा टैप करता हूँ एंड यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मैं यहाँ से एडजस्ट करूँगा, ओके। सो इसको यहाँ पे लगाने के बाद आप सभी को ऐसे गाड़ी के पास इस तरीके से ऐसे लगाना है। आपको जो कार है हमारी उसके पास यहाँ पे ऐसे लगा लेना है, ठीक है। तो इसका इतना ऐसे फिक्स कर लेना है अच्छे से थोड़ा, ठीक है, कि मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड है वो दिख, मतलब कि जो पीछे जो इरेज हो रखा है वो दिखे ना। तो आप सभी को एक लेयर बनानी है एंड उस लेयर को अपने मॉडल के नीचे लगाना है। एंड ब्रशेस में जाकर आप सभी को स्मूथ ब्रश को लेना है एंड इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है एंड सेट कर देना है, ओके। सो उसके बाद क्या करना है, आप सभी को शेडो बनाने के लिए गाइस क्या करना है, आप सभी को पहले एक सिंपली इस तरीके से पेंट करना है। सो गाइस, पहले हम इसको यहाँ से अंडो कर लेते हैं, ये वाला नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, आपको ब्रश पे सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आप सभी को 50% का ओपेसिटी कर देना है एंड इसे पेंट करना है। एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है, लेयर में जाना है एंड उसका ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड इस लेयर को आप सभी को इस तरीके से बड़ा कर देना है, ठीक है गाइज। तो देखिए, एक क्लिक में हमारी शेडो बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज, आप सभी को यहाँ पे तो शेडो बन चुकी है हमारी। अब हमें अगली जो शेडो है हमें बनानी है अपने शोल्डर के पास, जो हमारी कार है उसके ऊपर हमारी शेडो हो जाए, तो हम एक लेयर बना लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपली वही स्टेप यहाँ पे हम ऐसे इस तरीके से पेंट करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। एंड उसका ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आपको इस तरीके से सेम जो आप ये किया आपने वैसे कर देना है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपसे करना क्या है, वापस से यहाँ से डन करना है। लेयर में जाकर आपको इसी लेयर को आपको अपने मॉडल के नीचे ले आना है एंड इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है, ठीक है। तो ओपेसिटी को कम कर देना है एंड उसके बाद जो है आप सभी को एक लेयर और बनानी है, ठीक है। तो एक लेयर और बना लेते हैं हम। पहले हमें लेयर बनाने के बाद आप सभी को सिंपली इस तरीके से यहाँ पे पेंट करना है, ठीक है। तो इसके नीचे एक और पेंट बना लेते हैं हम, जो हमारे पैरों के पास रह गई थी वहाँ पर शेडो, तो वहाँ पर बना देते हैं। एंड उसके बाद गाइस, जो मतलब कि हमारे जो ये मतलब कि मॉडल है हमारा, ऐसा लग रहा है हवा में, तो हमें क्या करना है, एक लेयर और बनानी है एंड इसको हमें पूरा मैच करने के लिए, मतलब कि जो हमारे बैकग्राउंड से मैच करने के लिए करना पड़ेगा। इसके ऊपर से जो कम करेंगे ब्रश की एंड इसका सिंपली इस तरीके से पेंट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से पेंट कर देंगे एंड उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमें मतलब कि वाइट वाइट सा दिख रहा है, मतलब कि ब्लैक ब्लैक कर देना चाहिए वहाँ पे, जैसे देख लिया आउटलाइन जो है हमारी वो थोड़ी वाइट वाइट सी लग रही है। तो बस इतना ही कर देना है एंड उसका इसकी थोड़ी सी ऊपर से जो कम कर देना है, ठीक है। तो अब हमें हमारा मॉडल जो है बैकग्राउंड से मैच हो चुका है। तो अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ से डन कर देंगे, ठीक है। तो डिस्कट कर देने के बाद आप सभी को जो नेक्स्ट स्टेप है, आप सभी को पहले जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को एक स्नो का पीएनजी मैंने दे रखा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। तो मैं यहाँ से पहले स्नो का पीएनजी ले लेता हूँ। जो स्नो का पीएनजी वो हमने ले लिया है, तो उसको क्या करेंगे, हम फुल स्क्रीन कर देंगे एंड फुल स्क्रीन कर देने के बाद वो सिंपली सेम मेथड आप सभी को इसको ब्लेंड पे जाकर स्क्रीन कर देना है एंड इसकी ओपेसिटी जो आप सभी को कम कर देना है, ओके। सो इसको और एंड जो गाइस थोड़ा बहुत जो एरिया है आपको इरेज कर लेना है, जैसे कि आपके शोल्डर के पास आ रहा है एक। एंड उसके बाद यहाँ से मैं डन कर देता हूँ एंड यहाँ से पहले ओपेसिटी कम करके यहाँ से डन कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना हो चुका है। तो अब जो है हमें यहाँ पे जाएंगे ब्लर में, सॉरी इफेक्ट्स में एंड यहाँ पे जाएंगे ब्लर में। ब्लर में जाने के बाद जो इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा कम कर देंगे, 2-3 तक रखेंगे एंड रिजल्ट टूल में जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे एंड जो ब्रश का साइज है उसको हम छोटा करके एंड सिंपली अपने फेस पे इस तरीके से पेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप पेंट कर लेना ऐसे, इस तरीके से पेंट कर लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ से हमारा फेस भी जो स्मूथ हो चुका था, हम डन करते हैं एंड उसके बाद जाएंगे हम टूल्स में एंड जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद हम ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे एंड ब्रशेस में जाके साइज को छोटा करके एंड सिंपली हम यहाँ पे करेंगे डोज एंड वन, ठीक है। तो यहाँ पे यूँ कर देंगे एंड थोड़ा साइज़ को बढ़ा लेते हैं पहले एंड उसके बाद हमें एक पॉइंट यहाँ देना है, एक यहाँ पे एंड एक नोज के पास, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को इसकी ओपेसिटी जो है इसको आपको रखना है 2-3 या 5-6 तक, ठीक है। इतना रख लेते हैं
एंड इसको ऐसे डन कर देते हैं। एंड गाइस वापस से जाएंगे हम टूल्स में एंड एडजस्ट में, एंड जाएंगे हम इस कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन में, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे एंड सैचुरेशन में जाएंगे, हल्का सा सैचुरेशन को जो है गाइस हमें प्लस की तरफ रखना है, ठीक है। एंड ऐसा डन कर देंगे एंड यहाँ का हमारा पिक्सल का काम हो चुका था, ऐसे हम फोटो कर लेंगे सेव। एंड जो करेंगे कलर करेक्शन जो कि करते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर, तो पहले हम ऐसे बैक चलते हैं, कर रहे थे लाइट रूम ऐप को ओपन। सो गाइस हमारी जो फोटो ऐड हो चुकी है, तो गाइस पहले हमें इस पे ऑटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो गाइस हमारी फोटो थोड़ा ज़्यादा खास नहीं लग रही थी, ऐसा हम अंडो कर देंगे एंड जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से, मतलब थोड़ा सा 18 माइनस तक रखना है। एंड उसका जो हाईलाइट है हम इसको माइनस में रखेंगे, एंड जो शेडो है ये कम तो कर नहीं सकते, हम इसे शेडो को बढ़ाना पड़ेगा, तो शेडो को बढ़ा देंगे। एंड जो ब्लैक है उसको हम कम करेंगे, एंड जो वाइट है इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, एंड नीचे वाले टूल में जाएंगे, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे हल्का सा, एंड उसका जाएंगे मिक्स में, एंड जाएंगे ऑरेंज कलर में, एंड की सैचुरेशन को माइनस कर देंगे, एंड ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे, एंड जाएंगे ब्लू वाले कलर में, एंड उसकी ह्यू को जो है हल्का सा प्लस में रखेंगे, एंड सैचुरेशन को माइनस में, ठीक है। एंड सेकंड ब्लू वाले में जाएंगे, एंड उसके बाद हम इसको माइनस में रखेंगे ह्यू को, एंड सैचुरेशन को भी माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से हम डन कर देते हैं। एंड जो नीचे वाले टूल में जाएंगे, ठीक है, तो इसमें जाने के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी को बढ़ानी है हल्की सी, एंड उसके बाद विगनेट हल्का सा डालना है, क्योंकि विगनेट पहले से ही बैकग्राउंड में, तो उसके बाद ग्रेन अमाउंट को बढ़ाएंगे। नीचे वाले टूल में जाएंगे, फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देंगे, एंड नोइज रिडक्शन को बढ़ा देंगे, एंड उसके बाद कलर नोइज रिडक्शन को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बार फोटो का बिफोर एंड आफ्टर देख लेते हैं। सो गाइस आई होप कि आपसे वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।